जय माता दी। तो आपके पेट में तो गुरगुर हो रहा है। मुझे गोभी की सब्जी आती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 18 सितंबर की नाइट से। नाइट में हम गए थे एक फ्रेंड के यहाँ डिनर में, फिर वहाँ से वापस आके हमने नानू के बर्थडे की मिडनाइट केक कटिंग करी। नानू का बर्थडे देखो ना, वहाँ दिखा दो वीडियो। नानू केक तो कट करो। खा लो खा लो खा लो। ये था 19 सितंबर की मॉर्निंग का डे, जब ध्रुवी को जैसे ही मौका मिलता है वो अंचल के चेयर पे बैठ के ऑफिस में काम करने की एक्टिंग करने लगती है उसकी तरह। इसी दिन शाम को हमारी एक फ्रेंड भाभी है, उनके यहाँ उन्होंने गेट टुगेदर प्लान किया था सबका। फिर उसके बाद हम लोग रात में गए थे नेक्स्ट डे छोटे से बेबी इयान के फर्स्ट बर्थडे पार्टी में। एंड देन उसी दिन रात में ध्रुवी को नींद नहीं आ रही थी तो हम लोग ने ये किया, ध्रुवी ने मेरे लिए खाना बनाया। देखिए क्या, तो आपके पेट में तो गुरगुर हो रहा है, इसकी आवाज आई थी, कुछ खा लो। क्या चाहिए, क्या बनाओगे आप? मैं कुछ भी बना दूंगा तो जो आप बोलोगे। क्या खाना बताओ, कुछ भी बना दो फिर। क्या जो आपको आता है? मुझे गोभी की सब्जी आती है। मुझे गोभी की सब्जी आती है। गोभी की सब्जी, गोभी की सब्जी आती है। ओके, तो एक बात बताता हूँ मैं आपको मम्मी, पहले गोभी ले। अरे मैंने गैस भी ले रखा था। सो ओके तो ना उसमें पहले पैन में एक स्पिनच डालते और उसको मिक्स मिक्स कर देते हैं। क्या बना रही है, इधर आके बताओ। गोभी की सब्जी की दाल चावल। गोभी की सब्जी की दाल चावल, तो गोभी तो डाली नहीं आपने उसमें। डालो गोभी, मुझे बना रहे हो ना। क्या होता है इसे? सीटी आती है। अब ये ना सीटी ओपन कर लिया, रख दिया। फिर इसमें क्या डालेंगे गोभी में? मैंने चीला ना, छील के मैंने चीला और छील के बनाना को डालिए इसमें गोभी में। ओके बनाना
गोभी में बनाना भी जानते हैं ना, बनाना जानते हैं ओए बनाना डाल के ऐसे 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 करते फिर उसको फिर से रख देते हैं। ओके ओके ऐसे उसमें डाल देते हैं। क्यों बना गोभी की सब्जी? क्यों बनी गोभी की सब्जी की दाल चावल? गोभी की सब्जी की दाल चावल बन गई। खा लो सब लोग, खा लो। इसमें क्या क्या है देखो, सब फ्रूट वेजिटेबल एक साथ बना के दे दी थी मैंने। थैंक यू, वेलकम। फिर उसके बाद अभी लास्ट सैटरडे यानी कल हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग करने और मुंबा देवी के दर्शन करने, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है। मंडे से नवरात्रि है तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, फिर छोटे बच्चों के साथ नहीं मैनेज होता, बहुत लाइन, बहुत टाइम लगता है। थैंकफुली इस दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा क्या, धूप थी, बेटर देन बारिश, क्योंकि बारिश में भीग के फिर काम नहीं होते। मुंबा देवी मंदिर जाने के लिए वैसे तो आप CST भी उतर सकते हैं, बट वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम मस्जिद उसका जस्ट स्टेशन पहले एक स्टेशन है, CST से जस्ट पहले एक स्टेशन है, हम वहाँ पे उतरे थे। स्टेशन से बाहर निकल के जो मस्जिद वाला बोर्ड मैंने अभी दिखाया था उसकी टूवर्ड्स फेस करके आपको लेफ्ट हैंड की तरफ आपको मूव करना है, एकदम स्ट्रेट जाके सीधा सीधा जाना है आपको, मंदिर पड़ेगा। इधर जो साइड में आपको शॉप्स दिख रही हैं वो सब होलसेल वाली शॉप्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, टॉफ़ीज, जो लोग बुटीक का काम करते हैं उनके लिए लेसेस, हैंगिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वैरायटी की, स्नैक्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ होलसेल में मिलती हैं, जिनकी शॉप है या जो ऐसे सप्लाई करने का काम करते हैं वो यहाँ से जाके ले सकते हैं। ये स्पेशली नवरात्रों के लिए एंट्री बनाई गई है, जो अभी बंद थी, मंडे से शुरू हो जाएगी, उसी का काम चल रहा था। पूरा ऊपर से त्रिपाल डाल के पूरा बारिश से बचाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, और कुछ लोग वहाँ मंदिर में अभी से पासेस बना रहे थे, जो लोग नवरात्रों में जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, तो उन पासेस के थ्रू टाइम तो लगता है बट उतना लंबी लाइन में और उतना टाइम नहीं लगेगा जितना नॉर्मली जाके लगता है। ऐसे करके यहाँ पे जय करो, आते रहिए। फिर वहाँ मंदिर से निकल के हमने यहाँ पे लंच किया, UDP साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का। बहुत भीड़ थी तो 5-10 मिनट वेट करके फिर हमारा नंबर आ गया था। हाँ, क्या खा रहा है आपको?
फ्रेश लाइम सोडा बिना आइस के। किसका दोसा है? ध्रुवी का। क्या खाना है तुमको? नूडल्स। आज ध्रुवी ने फर्स्ट टाइम नूडल्स टेस्ट किए थे। वैसे तो मैगी एक दो बार खा रखी है, बट नूडल्स फर्स्ट टाइम खाए थे। तो बस डोसा जो ऑर्डर किया था उसके लिए वो छोड़ के उसने सब कुछ खाया है। ये मम्मी पापा खा लेते हैं। लो तो तुमको कोई खिला रही है, तुमको खा रही है। वहाँ से निकल के लंच करके हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए गए थे, जो हमारा काम 3 साल से अटका हुआ था। आप मान नहीं सकते, 3 साल से वो मेरा बहुत मन था। हर बार कुछ ना कुछ होके वो चीज़ कैंसिल हो रही थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था पूरा। बट वो कहते हैं ना कि माता रानी से, भगवान से मन से मांगो तो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। प्लीज़ वो काम मेरा करा दो, आप आ जाओ। और भगवान ने सुन ली। आगे व्लॉग में देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रही थी। हम लोग शॉपिंग करने CST ट्रेन से ही गए थे, एंड देन ट्रेन से ही वापस आए। जाते समय भी ऑलमोस्ट ट्रेन खाली थी, 60% ही भरी थी, 40% खाली थी। आते समय तो 90% खाली थी, बहुत ही कम भीड़ थी। पूरा ध्रुवी और अंशुल खेल के मज़े करके ट्रेन से वापस आए। वापस आते आते हमें 12 बज गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, बिकॉज आपका लाइक हम लोग को और आगे मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ें, अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो इसी बात पे प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड बी इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे देखिए व्लॉग में हम क्या स्पेशल चीज की बात कर रहे थे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।